इस तरीके से अगर आप झटपट आलू की इस रेसिपी बनाना चाहते हैं फ्रेंड, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर बच्चों के लिए आप टिफ़िन में झटपट बना सकते हैं, या फिर अपने सुबह की पराठा के साथ, नाश्ते के साथ अगर ये बना सकते हैं ये आलू की रेसिपी, या फिर आप कोई सफ़र में जा रहे हैं तो उसी के लिए आप फटाफट ये आलू की रेसिपी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट है, और ये एकदम हमने मसालेदार आलू की रेसिपी बनाया है, सूखी रेसिपी। तो अब इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिए फ्रेंड, और इसमें टाइम भी बहुत ही कम लगते हैं फ्रेंड, बहुत ही झटपट बन जाती है। आप जब भी चाहे इनको इस आलू की रेसिपी को बहुत ही झटपट बना सकती है इस तरीके से। तो घर पर किस तरह से झटपट इस आलू की रेसिपी को बनाया जाता है, एकदम मसालेदार आलू की रेसिपी, चलिए देखते हैं, आज का रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने आलू लिया है, उबली हुई आलू लिया है, और आलू को मैंने एक घंटे तक ठंडा किया है। आलू ठंडा करने से क्या होता है कि आलू हमारा है, जब हम आलू को बनाते हैं, फ्राई करते हैं, वो टूटे नहीं, इसलिए आलू को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है एक घंटे तक। आप भी आलू को जब भी बनाएं आलू की रेसिपी, तो आप ज़रूर ठंडा कर लीजिए, ठंडा करके बनाएं, वरना वो टूटने की डर रहता है। तो यहाँ हमने ठंडा कर लिया है, अब इनको हम कटिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आलू को इस तरह से काटूँगी, जो थोड़ी सी लंबे में ही काटूंगी आलू को, और थोड़ा सा मोटे में ही काटूंगी, ताकि आलू जो है मोटे काटने से थोड़ा अच्छे से इनमें मसाले भी लग जाते हैं और अच्छे से फ्राई भी होती है। तो आप अपने हिसाब से काटिए, पतले मोटे जो भी आप चाहते हैं, पतला मोटा आप काट सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से सारे आलू को काट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू को काट लिया है, तो यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी सरसों के तेल। सरसों के तेल से सब्जियाँ बहुत अच्छी बनती है, खास करके सूखी सब्ज़ी। तो और आलू की सब्ज़ी हम बना रहे हैं आज सूखी सब्ज़ी, तो इसलिए मैंने सरसों के तेल यूज़ किया है। आप चाहे कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 3 बड़े चम्मच थोड़ा तेल यूज़ करूँगी, थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूँगी क्योंकि सूखी सब्ज़ी में थोड़ा तेल चाहिए, तो आप चाहे कम तेल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा यूज़ ज़्यादा किया है, तो 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिए मैंने यहाँ पे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, जैसे तेल से धुआं निकल जाए तब तक हम गर्म करेंगे, कि सरसों के तेल को गर्म ज़्यादा करना पड़ता है। तो तेल हमने बहुत अच्छे से गर्म किया है, जब तक सरसों से धुआं निकल के नहीं आए। तो उसके बाद मैं तेल को थोड़ा ठंडा किया है, क्योंकि गर्म तेल में मसाले डालेंगे तो जल सकती है, इसलिए उसके बाद जड़ डाल दूँगी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हींग डाल दूँगी, और उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी, यहाँ पे मैं अदरक काट के रखा है बारीक बारीक, आप चाहे तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अदरक को मैं घिस के रखा है, तो अदरक घिस के रखा है, ये अदरक मैं यहाँ डाल दूंगी। बाद यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च लिया है, और हरी मिर्च को भी डाल दूँगी, और इनको सबको फ्राई करेंगे थोड़ा सा। तो इनको मैं थोड़ा सा मिला दिया, अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने गैस को बिल्कुल कम पे रखा है, ताकि जो हमारे मसाले बिल्कुल नहीं जले, तेल ऑलरेडी हमारा गर्म ही था। तो देखिए जीरा हल्दी पाउडर मैंने मिला दिया है, और इनको थोड़ा सा भून लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने भून लिया, यहाँ पे अब मैं डालूँगी जो आलू काट के रखा था, वो आलू यहाँ पे डाल देंगे, और इनके साथ मिला देंगे आलू को भी अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने मसाले के साथ मिला दिया, अब इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे नमक। तो नमक यहाँ पे मैं डाल दूँगी स्वाद अनुसार, और यहाँ नमक डाल के इनको भून लेते हैं, ताकि ये अच्छे से जब भूनेंगे तो उसे स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है इनको। पे अब हम डालेंगे कस्तूरी मेथी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे चम्मच कस्तूरी मेथी लिया है, तो यहाँ मैं डाल दूँगी, अगर आपको पसंद हो तो डालिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं हो तो। हम फुल गैस पे आलू को यहाँ पे 2-3 मिनट तक भूनेंगे इस तरीके से। तो हमने आलू को 2-3 मिनट तक भून लिया है, देखिए यहाँ पे आप गुलाबी कलर भी आ गए हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया है। और यहाँ पे हम बाकी मसाले डाल देते हैं। तो बाकी मसाले में मैं यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दूँगी, और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा काला नमक। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी 5-6 हमने काली मिर्च दरदरे कूट के रखा है, तो वो मैं डाल दूँगी, इससे क्या बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इनको दरदरा कूट के रखा है, वो मैं डाल दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी 1/2 छोटे चम्मच आमचूर पाउडर, तो ये खटाई के लिए बहुत अच्छा होता है, आलू की सब्ज़ी में अच्छा लगता है खट्टापन, तो खटाई के लिए मैंने डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी चिली फ्लेक्स, ये
मैंने छोटे एक चम्मच लिया है। यहाँ पे भी आप अपने स्वाद के हिसाब से चिली फ्लेक्स को या ये ऐड कर सकते हैं, या अगर चिली फ्लेक्स नहीं डालना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल दूँगी गरम मसाला। तो ये सारे मसाले को एक साथ यहाँ पे आलू के साथ मिला देंगे, क्योंकि ये हमने आलू को पहले अच्छे से पका लिया है और मसाला लास्ट में ही डालते हैं, आलू मसाला को ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये इनके साथ मसाले के साथ हम इनको अच्छे से मिला देते हैं सब्जियों को। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है, इसको बिल्कुल कम कर दे ताकि जैसे हमारे मसाला बिल्कुल ना जले। तो यहाँ पे हम बाकी मसाला जब डाले थे हमने गैस को बिल्कुल कम कर दिया, अब बिल्कुल अब मसाला डालने के बाद हमने गैस को तेज़ कर दिया। तो थोड़ी देर हाई गैस पे इनको थोड़े से भून लेंगे आलू को, क्योंकि मसालों को ज़्यादा पकाना नहीं होता है इसलिए हमने लास्ट में डाला है। तो इनको डाल के अच्छे से मिला के इनको थोड़ी देर और भून लेते हैं आलू को सब्जी को। तो हमने हाई गैस पे अच्छे से भून लिया है मसाले के साथ थोड़ी देर इनको। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी धनिया डाल दूँगी कटी हुई। आलू की सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन जाते हैं फटाफट, जब भी आपको कुछ भी सब्ज़ी ऐसे बनाना हो आप फटाफट आलू की सब्ज़ी को बना सकते हैं। देखिए हमने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी बना लिया है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगती है पकाने में सब्ज़ी को। तो सब्ज़ी हमारा रेडी हो गई है, हम गैस को बंद कर देंगे अभी। तो यहाँ पे हमने गैस को बंद कर दिया है, सब्ज़ी हमारी रेडी है, अब इनको निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, मैं सब्ज़ी को निकाल दिया है और ऊपर से इनके धनिया भी मैंने गार्निश किया है। ये देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है, देख सकते हैं, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है ये, और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। सिंपल है पर बहुत ही जल्दी बनती है। जब भी आपको मन हो बनाने की झटपट रेसिपी तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड। मैं बच्चों को दे सकते हैं, टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या फिर कहीं आप सफ़र कर रहे हैं तभी आप इस सब्ज़ी को बना सकते हैं झटपट, और ऊपर से आप सुबह के नाश्ते के टाइम पराठे के साथ आप बना सकते हैं। तो इतनी सारी ऑप्शन है, आप कहीं भी ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी को। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आए हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड। तो मिलते हैं अगले किसी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।